आज का जो हमारा टॉपिक है वो फार्मास्यूटिक्स की बुक में से है। टॉपिक नंबर 6 और टॉपिक का नाम है डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग। व्हाट इज कंपाउंडिंग एंड व्हाट इज डिस्पेंसिंग? कंपाउंडिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डोजेज फॉर्म टू ए पर्टिकुलर वे अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑन द बेस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में हम क्या करते हैं, एक मेडिसिन की डोजेज फॉर्म बनाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन। जो पेशेंट फार्मेसी के अंदर प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है उसके ऊपर एक डोजेज फॉर्म लिखी होती है, एक मेडिसिन लिखी होती है, उस मेडिसिन को बनाना कंपाउंडिंग कहलाता है। डिस्पेंसिंग क्या है? प्रिपरेशन, पैकेजिंग, लेबलिंग, स्टोरिंग, रिकॉर्डिंग एंड सप्लाइंग टू इंडिविजुअल पेशेंट यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू प्रिस्क्रिप्शन ऑन एक्सटेम्पोरेनियस वे इज इन फार्मेसी इज कॉल्ड डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग क्या है? डिस्पेंसिंग में एक पेशेंट आता है, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मेडिसिन उसकी लिखी होती है जो कि खुद बनानी होती है, तो उसमें वो मेडिसिन की प्रिपरेशन, तैयारी और उसके बाद उसकी पैकिंग किस तरह करनी है, पैकिंग के बाद उसकी लेबलिंग करनी है, लेबलिंग के बाद उसे स्टोर कहाँ रखना है, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग रखनी है, रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड के बाद फिर उसे पेशेंट को दे देना है। ये यूजली एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन होती हैं जो कि फार्मेसी के अंदर बनाई जाती हैं। तो ये सारा प्रोसेस प्रिपरेशन से लेकर पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करने तक का सारा प्रोसीजर डिस्पेंसिंग कहलाता है। कंपाउंडिंग में सिर्फ हम मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, डिस्पेंसिंग जो है इसमें मेडिसिन प्रिपेयर भी करते हैं, इसमें कंपाउंडिंग भी आ जाती है। इसके अलावा मेडिसिन प्रिपेयर करके इसकी पैकेजिंग, लेबलिंग और इसकी स्टोरिंग वगैरह और इसका रिकॉर्ड मेंटेनेंस सारा कुछ डिस्पेंसिंग में आ जाता है। नॉलेज रिक्वायर फॉर डिस्पेंसिंग। अगर एक फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग कर रहा है, मेडिसिन खुद से तैयार करके पेशेंट को प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके पास किस किस्म का नॉलेज होना चाहिए? सबसे पहले उसे स्टेबिलिटी का नॉलेज होना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए जो मेडिसिन मैं बना रहा हूँ ये स्टेबल कितनी है, कितने दिनों तक ये मेडिसिन यूज़ हो सकती है। इसके अलावा कंपाउंडिंग प्रिंसिपल, किस तरह मुख्तलिफ किस्म की डोजेज फॉर्म बनाई जाती हैं, कौन कौन से तरीक़ों से बनाई जाती है, ये सारा कंपाउंडिंग प्रिंसिपल में आ जाएगा। इसका भी एक फार्मासिस्ट को नॉलेज होना चाहिए। डोजेज फॉर्म, कितनी किस्म की डोजेज फॉर्म्स होती हैं जो कि फार्मेसी के अंदर बनाई जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिरप्स हो गए, क्रीम्स हो गई, ऑइंटमेंट्स हो गए, ड्रॉप्स हो गए, इंजेक्टेबल्स हो गए, टेबलेट्स हो गए, ये सारी डोजेज फॉर्म का पता होना चाहिए। सबका एक नॉलेज फार्मासिस्ट के पास होना चाहिए। इनकम्पेटिबिलिटी का नॉलेज होना चाहिए, जो मेडिसिन एक पेशेंट को देनी है बना के, उन मेडिसिन के दरमियान किसी किस्म की इनकम्पेटिबिलिटी नहीं है। एक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के असर को ख़त्म तो नहीं कर रही, एक केमिकल दूसरे केमिकल से इंट्रैक्शन तो नहीं कर रहा, इस किस्म की इनकम्पेटिबिलिटी आप नॉलेज इनकम्पेटिबिलिटी का भी नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद है पैकेजिंग, जो मेडिसिन बन गई है उसे फिर पैक करना होता है, तो पैकेजिंग के बारे में भी पूरा नॉलेज होना चाहिए फार्मासिस्ट के पास। लेबलिंग का भी होना चाहिए कि लेबल के ऊपर क्या क्या चीज़ लिखनी होती है, जो मेडिसिन के ऊपर लेबल लगाया जाता है उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। स्टोरेज कंडीशंस का भी पता होना चाहिए, जो मेडिसिन बनाई है वो किस टेम्परेचर पर स्टोर हो सकती हैं, किस जगह स्टोर हो सकती हैं, किस चीज़ से बचाया जाए मेडिसिन को। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेडिसिन है उसे नमी से बचाया जाता है और एक मेडिसिन है उसे गर्म टेम्परेचर से बचाया जाता है, ठंडे फ्रिज वगैरह में रखा जाता है। इस तरह की स्टोरेज कंडीशंस का भी फार्मासिस्ट को नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर वो डिस्पेंसिंग कर सकता है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, जितनी मेडिसिन डेली बेस पे वो डिस्पेंस करता है उसका रिकॉर्ड मेंटेनेंस का भी नॉलेज होना चाहिए, किस तरह उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं। इसके बाद है जनरल डिस्पेंसिंग प्रोसीजर, किस तरह एक फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग कर सकता है। सबसे पहले जो है शुरू करते हैं वेयर ओवरकोट या लैब कोट। फार्मासिस्ट को एक वाइट कलर का लैब कोट ओवरऑल पहनना चाहिए जो कि साफ सुथरा हो, मेंटेनेंस क्लीनिनेस ऑफ इसकी सफाई होनी चाहिए, धुलाई होनी चाहिए और इसके साथ वो प्रेस होना चाहिए। क्लीनिंग ऑफ डिस्पेंसिंग एरिया,
इसके बाद जो डिस्पेंसिंग एरिया है जहाँ पे डिस्पेंसिंग करनी है, जहाँ पे मेडिसिन तैयार करनी है, पैक करनी है, लेबल बनाना है, जहाँ पे वो एरिया क्लीन होना चाहिए। रीडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जो प्रिस्क्रिप्शन आई है डॉक्टर की तरफ से एक पेशेंट के लिए लिखी हुई है, उस प्रिस्क्रिप्शन को गौर से पढ़ना है और उस पर लिखी गई तमाम मेडिसिन को नोट आउट करना है, नोट डाउन करना है और उसको देखना है कि कौन कौन सी मेडिसिन इस पेशेंट को चाहिए। फाइंड फार्मूला ऑफ डिस्पेंस्ड मेडिसिन, जो मेडिसिन डिस्पेंस करनी होती हैं, जो उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखी होती हैं, उसका फार्मूला देखना होता है कि वो किस तरह बनती हैं, किस किस केमिकल से मिलकर बनती हैं, कौन से इंग्रेडिएंट उसमें डालने पड़ते हैं। ये फार्मूला हमें कहाँ से मिलेगा? ये फार्मूला हमें बुक्स से मिलेगा, यूनाइटेड, ये हमें यूएसपी से मिलेगा, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया से मिलेगा। इसके अलावा डोज कैलकुलेशन, जितनी डोज डॉक्टर ने लिखी हुई है उस पेशेंट के लिए, उसकी कैलकुलेशन करेंगे कि हम जो मेडिसिन तैयार कर रहे हैं वो कितनी डोज की होनी चाहिए। चेकिंग ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, इसके बाद इनकम्पैटिबिलिटी चेक करेंगे, जो मेडिसिन हम तैयार कर रहे हैं उसका हमने फार्मूला देखा है, फार्मूले के अंदर डिफरेंट किस्म के केमिकल्स होंगे और उन केमिकल्स के दरमियान इनकम्पैटिबिलिटी चेक करनी है कि कोई इन केमिकल्स के दरमियान कोई इंट्रैक्शन तो नहीं। तो जो मेडिसिन हम तैयार कर रहे हैं कोशिश ये होनी चाहिए कि उनके अंदर किसी किस्म की इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। स्टोरेज कंडीशन, इसके बाद मेडिसिन तैयार करने के बाद उसको स्टोर कहाँ करना है ये देखेंगे डिस्पेंसिंग में। चूज़ करेक्ट कंटेनर एंड क्लोयर, जब मेडिसिन बन गई है अब उसके लिए करेक्ट कंटेनर यूज़ करेंगे और उसका क्लोयर चूज़ करेंगे कौन सा होना चाहिए। मेक लेबल, उसके बाद लेबल बनाना है डिस्पेंसिंग करने के लिए, उसके बाद मेडिसिन को पैक करने के बाद उसके लेबल बनाना है। पैकिंग ऑफ प्रिपरेशन एंड कंटेनर, जो मेडिसिन हमने तैयार किया है उसे कंटेनर के अंदर पैक करना है और फिर पेशेंट को सप्लाई कर देना है, और इसके अलावा इसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना है एक रजिस्टर के ऊपर, जो मेडिसिन हमने एक पेशेंट को डिस्पेंस की है उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखेंगे, उसका रिकॉर्ड रखेंगे। इसके बाद आता है प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन क्या होती है? प्रेस्क्रिप्शन इज़ अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये एक रिटन ऑर्डर होता है, एक रिटन तहरीरी एक पेज होता है जिसके ऊपर ये तहरीर किया होता है कि कौन से पेशेंट को कितनी मेडिसिन डिस्पेंस करनी है। टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस एक स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर इंडिविजुअल पेशेंट इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो होता है जिसके पास MBBS की डिग्री हो, इसके अलावा जिसके पास वेटरनरी साइंसेस की डिग्री हो। वेटरनरी साइंसेस जो होती हैं उसमें एनिमल्स को स्टडी किया जाता है, तो वेटरनरी जो होंगे वेटरनरी डॉक्टर वो एनिमल्स के लिए प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं। इसके अलावा डेंटिस्ट जो के दांतों का कोर्स करते हैं उनके पास भी अथॉरिटी होती है कि वो अपने पेशेंट को जिनको दांतों का मसला होता है उसके लिए भी प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन जो लिखता है वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखता है, और किसके लिए लिखता है? एक पेशेंट के लिए लिखता है, और उसमें क्या लिखता है? उसमें वो मेडिसिन की डिटेल लिखता है जिसके ऊपर जिसको जो मेडिसिन उस पेशेंट को चाहिए होती हैं। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कौन कौन से चीज़ें मौजूद होनी चाहिए? सबसे पहले बायोडाटा ऑफ डॉक्टर, सबसे पहले डॉक्टर का बायोडाटा होना चाहिए जिसमें डॉक्टर का नेम होना चाहिए, डॉक्टर का एड्रेस होना चाहिए जहाँ पर उसका क्लिनिक है, जहाँ पर वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसे अलाउ किया गया है वो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर के सिग्नेचर भी होने चाहिए। बायोडाटा ऑफ पेशेंट, पेशेंट के बारे में भी लिखा होना चाहिए, पेशेंट का सबसे पहले नेम लिखा होना चाहिए, उसकी एज लिखी होनी चाहिए, उसका सेक्स लिखा होना चाहिए, उसका वेट लिखा होना चाहिए। इसके बाद आता है द डेट ऑफ प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्रिप्शन जिस दिन डॉक्टर ने मेडिसिन एक पेशेंट को प्रोवाइड किया है, प्रिस्क्राइब किया है, तो उस दिन की डेट लिखी होनी चाहिए ऊपर। डायग्नोसिस एंड एग्जामिनेशन, ये एक छोटा सा पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जिसमें जो डॉक्टर डायग्नोज करता है डिजीज़, उस डिजीज़ का नाम होता है, और इसके अलावा लेबॉरेटरी टेस्ट जो उसे डॉक्टर लिख के देता है कि आप ये वाले एग्जामिनेशन कराएं, लेबॉरेटरी टेस्ट कराएं, एक्सरे कराएं, वो सारा कुछ इसके अंदर होता है। इसके अलावा एक पार्ट होता है सुपरस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन के ऊपर RX लिखा होता है।
आर एक्स का मतलब है ये सुपरस्क्रिप्शन है। इसके ऊपर इसका मतलब ये होता है कि ये जो नीचे मेडिसिन दी गई हैं, ये आर एक्स का मतलब होता है कि यहाँ पे मेडिसिन की तफसील होगी। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन क्या है? डिटेल ऑफ मेडिसिन। आर एक्स के नीचे एक पार्ट बना होता है जिसके ऊपर डिटेल ऑफ मेडिसिन टू बी डिस्पेंस, जो मेडिसिन डिस्पेंस करनी होती हैं एक पेशेंट के लिए, जो मेडिसिन एक पेशेंट के लिए ज़रूरी होती हैं, जो डॉक्टर लिख के देता है, वो किस पार्ट में आएंगी? इंस्क्रिप्शन में आएंगी। इसके बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में डॉक्टर जो है, फिजिशियन जो है, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, वो डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट को हिदायत देता है कि किस तरह आपने मेडिसिन को प्रिपेयर करना है, कितने परसेंट मेडिसिन बनानी है, कौन सी डोजी फॉर्म बनानी है, ये सारा कुछ सब्सक्रिप्शन में होता है। इसके बाद आ जाता है सिग्नेचर। सिग्नेचर प्रेस्क्रिप्शन का ऐसा पार्ट है जिसमें जो फिजिशियन है वो डायरेक्शंस टू पेशेंट, पेशेंट्स को हिदायत लिख के देता है, जिसमें वो पेशेंट्स को ये हिदायत देता है कि किस तरह मेडिसिन आपने खानी है और किस चीज़ से परहेज़ करना है और किस किस्म की एक्सरसाइज करनी है, ये सारा कुछ कहा जाता है सिग्नेचर में। इसके बाद आ जाता है रीफिल स्टेटस। रीफिल क्या होता है कि एक पेशेंट एक प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है डॉक्टर से, तो डॉक्टर ऊपर ये मेंशन कर देता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन आप दो दफ़ा, एक दफ़ा या तीन दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उसी प्रिस्क्रिप्शन पे एक दफ़ा आप प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन ले गए हैं तो दूसरी बार आएंगे दोबारा उसी प्रिस्क्रिप्शन पे ले जाएंगे, तो डॉक्टर मेंशन कर देता है कि कितने टाइम की रीफिलिंग हो सकती है। इसके बाद आ जाता है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या है? हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें स्टेप्स हैं, इसमें टोटल 6 स्टेप्स हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में। सबसे पहला स्टेप्स है रिसीविंग, उसके बाद है डोजेज कैलकुलेशन, फिर कंपाउंडिंग आ जाता है, कंपाउंडिंग के बाद आ जाता है पैकेजिंग, लेबलिंग, रीचेकिंग, फिलिंग, ये एक स्टेप है। इसके बाद जो है पाँचवा स्टेप है प्राइसिंग, प्राइसिंग के बाद आ जाता है डिलीवरिंग। ये सबसे पहला देखते हैं कि रिसीविंग क्या है। रिसीविंग एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन ले ली जाती है, उसके बाद उसको इसके दो आगे दो स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है रीडिंग, गौर से पढ़ना है प्रिस्क्रिप्शन को और उसके ऊपर देखना है कि कौन कौन सी मेडिसिन लिखी हुई हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस मेडिसिन को आप नहीं समझ सकते, ऐसी इस तरह लिखी होती है कि आपको पता नहीं चल रहा होता कि किस तरह कौन सी मेडिसिन लिखी होती है, वो वाली मेडिसिन आपने डिस्पेंस नहीं करनी, जब तक आपको 100% श्योर ना हो कि ये वाली मेडिसिन जो लिखी गई है ये वही है जो डिस्पेंस करनी है। 100% श्योरिटी होगी तब आप मेडिसिन डिस्पेंस करेंगे, अदरवाइज़ आप डॉक्टर को कॉल करेंगे या पेशेंट को बताएंगे कि आप डॉक्टर से जाके दोबारा लिखवा लें, हमें समझ नहीं आ रही। तो इसके बाद आ जाता है चेकिंग। चेकिंग में क्या होता है कि आपने उसके अंदर इनकम्पेटिबिलिटी चेक करनी होती है कि किसी मेडिसिन में इनकम्पेटिबिलिटी तो नहीं है। इसके बाद आ जाता है जो डोजेज कैलकुलेशन, जो डॉक्टर ने डोजेज लिख के दी है उसकी कैलकुलेशन करनी है। इसके लिए फार्मूले होते हैं डोज कैलकुलेशन के लिए, यंग्स रूल है, काउंटिंग स्केल है, क्लार्क रूल है, फ्राई रूल है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग में हम मेडिसिन को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इसमें क्या होता है, कंपाउंडिंग में हम मेडिसिन को किस तरह प्रिपेयर करते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे किसी बुक से, फार्मूले के मुताबिक इनकम्पेटिबिलिटी चेक करेंगे। इनकम्पेटिबिलिटी चेक करके कंपाउंडिंग, जिस तरह कंपाउंडिंग करनी है, जो प्रोसीजर है मेडिसिन बनाने का, वो मेडिसिन बनाएंगे। इसके बाद आ जाता है ये चौथा स्टेप जो कि फिनिशिंग कहलाता है। फिनिशिंग में आगे 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है पैकिंग। पैकेजिंग में क्या होता है, जो मेडिसिन हमने तैयार कर ली है उसके लिए एक पैकेजिंग मटेरियल, एक क्लोजर और कंटेनर चूज़ करेंगे। क्लोजर और कंटेनर चूज़ करके उसके अंदर वो मेडिसिन रख देंगे। इसके बाद आ जाता है लेबलिंग। इसके बाद हम एक लेबल तैयार करेंगे। लेबल के ऊपर हम क्या चेक करेंगे, लेबल के ऊपर लिखेंगे पेशेंट का नाम लिखेंगे, डॉक्टर का नाम लिखेंगे, इसके अलावा पेशेंट डेट लिखेंगे जिस डेट को हमने डिस्पेंस किया है, इसके अलावा यूज़ लिखेंगे मेडिसिन का, यूज़ के अलावा प्रिकॉशंस लिखेंगे जिसमें
हम लिखेंगे, स्टोरेज कंडीशन लिखेंगे कहाँ स्टोर करनी है, और इसके अलावा आपने बच्चों की पहुँच से दूर रखना है, इस किस्म की आपने प्रिकॉशन। इसके अलावा एक और प्रिकॉशन अहम जो होती है, यूज़ होती है इसका, कि ये आईवी यूज़ करना है, ओरल यूज़ करना है, या टॉपिकली स्किन के ऊपर अप्लाई करना है, ये चीज़ें लिखना ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा लेबलिंग के ऊपर आपने अपनी फार्मेसी का एड्रेस लिखना है और आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद आ जाता है रीचेकिंग। रीचेकिंग में ये होता है, रीचेकिंग में हमने जितना भी प्रोसीजर पहले कर लिया है उस पूरे प्रोसीजर को एक दफ़ा दोबारा देखेंगे कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। इसके बाद आ जाता है फिलिंग। फिलिंग में क्या होता है, जो हमने मेडिसिन कंपाउंड की है, तैयार की है, उस मेडिसिन को पैकेजिंग मटेरियल में डालेंगे, पैकेजिंग मटेरियल के बाद उसे क्लोज करेंगे, क्लोज करके उसके बाद उसके ऊपर लेबल लगा देंगे। जो अगला स्टेप है वो है प्राइसिंग का। प्राइसिंग में ये सिलेक्ट, हमने ये देखना होता है कि जो मेडिसिन हमने डिस्पेंस की है उसकी प्राइस कितनी बनती है। प्राइसिंग के लिए मेनली तीन चीज़ें होती हैं। प्राइसिंग में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो है कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट एंड कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, और इसके साथ कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। टोटल जितनी कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट पर आती है वो तो हमने लेनी ही होती है। साथ में हम दूसरी चीज़ जो देखते हैं वो है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। हम कितनी परसेंटेज रख रहे हैं, प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम 10% रख रहे हैं, 15% रख रहे हैं, तो जितनी हमारी कॉस्ट आएगी उसके मुताबिक हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। तीसरी चीज़ जो देखनी होती है वो ये होती है फी ऑफ फार्मासिस्ट। जो फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक डिस्पेंस करता है मेडिसिन, उसकी फीस भी बाज़ औक़ात शामिल कर दी जाती है। तो ये तीनों चीज़ों को मिलाकर हम प्राइस फिक्स करते हैं किसी भी मेडिसिन की। इसके लिए कुछ फार्मूलाज भी होते हैं जिसके मुताबिक हम प्राइस फिक्स करते हैं। इसके बाद आ जाता है डिलीवरिंग। जो मेडिसिन हमने तैयार कर ली है, उसको फिनिश कर दिया गया है, उसकी लेबलिंग भी हो गई है, पैकेजिंग भी हो गई है, प्राइस डिटरमाइन भी हो गई है, अब अगला काम है डिलीवर। या तो हम स्टोर डिलीवरी करेंगे, स्टोर डिलीवरी मतलब फार्मेसी में जो पेशेंट आया है उसको उसी वक्त उसके हवाले कर देंगे, या फिर होम डिलीवरी। होम डिलीवरी में ये होता है कि अपने कुछ लोग अपने रखे होते हैं फार्मेसी पे, हेल्पर रखे होते हैं जो जाके किसी घर में जाके मेडिसिन प्रोवाइड करके आते हैं। तीसरा होता है मेन डिलीवरी। मेन डिलीवरी ये पोस्ट के ज़रिए होती है, मतलब आपने मेडिसिन को किसी जगह पे किसी दूसरे सिटी में जाकर TCS करवाना होता है बाय डॉग, या इस तरीके से आपने उसको डिलीवर करना हो, तो ये मेन डिलीवरी कहलाती है। तो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में टोटल ये 6 स्टेप्स हैं। अब हम देखते हैं डोजेज कैलकुलेशन। डोजेज कैलकुलेट किस तरह करते हैं। डोजेज कैलकुलेट के लिए कुछ फार्मूले दिए गए हैं। सबसे पहले यंग्स फार्मूला दिया, यंग्स रूल दिया गया है, जिसमें चाइल्ड डोज जो होती है वो कैलकुलेट करते हैं। चाइल्ड डोज किस तरह कैलकुलेट करते हैं, चाइल्ड डोज इज़ इक्वल टू चाइल्ड एज इन ईयर्स ज़रब मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज डिवाइडेड बाय चाइल्ड एज इन ईयर जमा 12। इसमें हमारे पास सिर्फ क्या, हमारे पास अडल्ट डोज भी होती है, और हमें इसमें सिर्फ ये मालूम करना होगा कि जो बच्चा है उसकी उम्र कितने साल है। जितने साल उसकी उम्र होगी वो इधर पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके हमारे पास चाइल्ड डोज आ जाएगी। इसके बाद है काउंटिंग रूल, काउंटिंग स्केल्स। इसमें क्या है, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज प्लस 2 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। यहाँ पे सिर्फ हमें एज का पता करना होगा, एज कितनी है, तो जिससे हमें चाइल्ड डोज का पता लग जाएगा। बाकी हमारे पास अडल्ट डोज भी है और ये फार्मूला है। क्लार्क्स रूल में हम देखते हैं कि चाइल्ड डोज इज इक्वल टू चाइल्ड वेट इन पाउंड्स, चाइल्ड का पाउंड्स में कितना वेट है, डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। हमारे पास अडल्ट डोज दी होती है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि उसका बच्चे का वेट कितना है, वेट के मुताबिक वेट इधर पुट करेंगे फार्मूला में तो हमारे पास चाइल्ड डोज आ जाएगी। इसके बाद है फ्राइड रूल। फ्राइड रूल क्या है, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू चाइल्ड एज इन मंथ। इसमें जो एज है वो मंथ में
गिनी जाएगी डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। तो इन फार्मूलाज के जरिए हम किसी भी डोज कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी चाइल्ड की डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है रीफिलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। रीफिलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन क्या मतलब है कि कौन सी मेडिसिन रीफिल हो सकती है। सबसे पहले रीफिल की बेस पे हम मेडिसिन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक ओटीसी मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के डिस्पेंस की जा सकती हैं, वो ओटीसी मेडिसिन कहलाती हैं। इसके बाद है प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको प्रिस्क्रिप्शन अगर हो तो दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन को मज़ीद तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहला हिस्सा है ग्रुप ए, नॉट रीफिल। ऐसी मेडिसिन जो इंतहाई डेंजरस होती हैं उनको रीफिल नहीं किया जा सकता, तो वो ग्रुप ए में आ जाती हैं। इनमें मॉर्फिन एग्जांपल है इसकी। ग्रुप बी में रीफिल ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो रीफिल की जा सकती हैं, दो या तीन मरतबा रीफिल की जा सकती हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो एपोमॉर्फिन है। ये डेंजरस, ये भी ड्रग्स जो हैं डेंजरस होती हैं। इसके अलावा एक ग्रुप एक्स, ऐसा ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जिसमें हम मेडिसिन को अगर प्रिस्क्रिप्शन किसी मजबूरी के तहत नहीं है तो डिस्पेंस कर सकते हैं। इसमें ऐसे लिक्विड होते हैं जिसमें कोडीन की मिकदार कम होती है और ये लेस डेंजरस होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप ए। इसके बाद हम देखते हैं पैकेजिंग किस तरह करते हैं। इट इज़ आर्ट एंड साइंस इन द प्रिस्क्राइब इन प्रिपेयरिंग ए प्रोडक्ट फॉर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, डिस्प्ले एंड यूज। किसी भी प्रोडक्ट को, मेडिसिन को जो हमने तैयार की है उसको किस तरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैकेजिंग की ज़रूरत होती है, स्टोर करने के लिए पैकेजिंग की ज़रूरत होती है और डिस्प्ले करने के लिए पैकेजिंग की ज़रूरत होती है, और इस्तेमाल करने में भी इससे आसानी हो जाती है। इसके जो बेनिफिट्स हैं, इट्स बेनिफिट इज टू रिटेन थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस फ्रॉम द टाइम ऑफ पैकेजिंग टू कंज्यूम बाय पेशेंट। ये थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस मेंटेन रखती है, पैकेजिंग जो है मेंटेन रखती है पैकेजिंग से लेकर जब तक पेशेंट उसको यूज़ नहीं कर लेता। कंटेनर इसके लिए, पैकेजिंग के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक कंटेनर होता है, दूसरा क्लोजर होता है। कंटेनर क्या होता है? इन कंटेनर ड्रग इज़ प्लेस्ड एंड इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ड्रग। जो कंटेनर होता है उसमें जो मेडिसिन होती है वो डायरेक्ट मेडिसिन उसके अंदर डाल दी जाती है कंटेनर में। क्लोजर क्या होता है? द सील द कंटेनर टू एक्सक्लूड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, माइक्रोब। क्लोजर जो है कंटेनर के ऊपर एक ढक्कन होता है जो कि मेडिसिन को ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और लाइट से बचाता है। आगे हम देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग इन सिलेक्टिंग ऑफ कंटेनर। कंटेनर हम किस बेस पे सिलेक्ट करते हैं? नेचर ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की क्या नेचर है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ऐसा है जो कि लाइट सेंसिटिव है, तो हम कौन सा कंटेनर यूज़ करेंगे? लाइट सेंसिटिव कंटेनर यूज़ करेंगे। टाइप्स ऑफ पेशेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पेशेंट है वो चाइल्ड है, तो उसके लिए हम एक सिरप फॉर्म चूज़ करेंगे। तो सिरप के लिए क्या होते हैं? बॉटल्स होती हैं। डोजेज फॉर्म, डोजेज फॉर्म में हम देखेंगे कि कौन सी डोजेज फॉर्म हम तैयार कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स तैयार कर रहे हैं, तो क्रीम्स के लिए बॉटल्स जो होंगी वो वाइड माउथ बॉटल्स होंगी ताकि क्रीम्स को बआसानी बाहर निकाला जा सके। मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड से भी हम कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो मेडिसिन है वो ओरल रूट से एडमिनिस्टर करनी है, तो हम सिरप इस्तेमाल करेंगे। सिरप के लिए जो है वो नैरो माउथ बॉटल्स इस्तेमाल होती हैं। कॉस्ट ऑफ कंटेनर, कॉस्ट ऑफ कंटेनर में हम देखेंगे कि किस मटेरियल का कॉस्ट, जो मटेरियल है जो सस्ता है और कौन सा मटेरियल जो है महंगा है। तो हम ज़ाहरी बात है स्टेबिलिटी को चेक करते हुए हम कंटेनर यूज़ करेंगे जो कि सस्ता होगा। टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, टाइप्स ऑफ कंटेनर्स में बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ये जो होती है मेडिसिन के इस्तेमाल के ऊपर होती हैं कि हमने कौन सा कंटेनर इस्तेमाल करना है। इसके बाद आ जाती है टाइप्स ऑफ कंटेनर अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ क्लोजर्स एंड यूज़। सबसे पहले है एयर टाइट कंटेनर। ये ऐसे कंटेनर होते हैं जिसमें से हवा पास आउट नहीं हो सकती। लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर, ऐसे कंटेनर जिसमें से लाइट पास आउट नहीं हो सकती। ये लाइट रेजिस्टेंस जो मेडिसिन होती हैं, लाइट सेंसिटिव मेडिसिन होती हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर, ऐसे कंटेनर जो चारों तरफ से बंद होते हैं। ये मोस्टली जो हैं ये एम्प्यूल्स होते हैं, इंजेक्टेबल्स होते हैं जो कि हर्मेटिकली सील्ड बनाए जाते हैं। सिंगल डोज कंटेनर में एक डोज दी गई होती है। मल्टी डोज कंटेनर में बहुत से एक से ज़्यादा डोजेज होती हैं। एरोसोल में प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म होती हैं जो कि
अस्थमा के पेशेंट इस्तेमाल करते हैं। टेम्पर एविडेंट कंटेनर, ऐसे कंटेनर जिसको अगर एक दफ़ा जिसका क्लोजर खोल दिया जाए तो वो एक एविडेंट पेश कर देता है कि ये मेडिसिन जो है खुल चुकी है, आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते या इसे आप नहीं खरीद सकते। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कंटेनर अकॉर्डिंग टू देयर शेप। शेप के मुताबिक टाइप्स की जो कंटेनर की हैं वो कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले है ग्लास पॉलीथाइलिन बोटल। सबसे पहले बोटल्स हैं, बोटल्स नैरो माउथ भी होती हैं, वाइड माउथ भी होती हैं। नैरो माउथ बोटल्स जो होती हैं वो सिरप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वाइड माउथ जो हैं वो ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉपर बोटल्स, ऐसी बोटल्स जो ड्रॉप वाइज मेडिसिन को बाहर आने देती हैं वो ड्रॉपर बोटल कहलाती हैं। कोलैप्सेबल ट्यूब्स, कोलैप्सेबल ट्यूब्स ऐसी ट्यूब्स होती हैं जिनको अगर दबाया जाए तो मेडिसिन बाहर आती है। इसमें मोस्टली टूथपेस्ट वगैरह हम ऐड करते हैं। एम्प्यूल्स ऐसी होती हैं जो कि चारों तरफ से बंद होते हैं, इसको तोड़कर इसमें से मेडिसिन निकाली जाती है। ये मोस्टली इंजेक्टेबल्स के थ्रू इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद आ जाता है वाइल्स। वाइल्स मोस्टली छोटे एम्प्यूल से थोड़े बड़े होते हैं जो कि इंजेक्टेबल्स को बनाने में, इंजेक्टेबल्स की मेडिसिन को रखने में काम आते हैं। स्ट्रिप्स जो हैं ये स्ट्रिप्स जो होती हैं ये टैबलेट्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल आते हैं। टैबलेट के लिए जो कंटेनर यूज होते हैं वो स्ट्रिप्स कहलाते हैं। ब्लिस्टर्स भी टैबलेट को ही स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पॉलीथाइलिन फॉर आईवी फ्लूइड्स, जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं जिसे हम ड्रिप्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की ड्रिप्स होगी, इस तरह की ड्रिप्स को बड़ी बड़ी बोतल्स होती हैं जो कि पॉलीथाइलिन से मिलकर बनी होती हैं, उसको हम इसमें स्टोर करते हैं। इसके बाद आ जाता है मटेरियल यूज्ड फॉर कंटेनर। मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल यूज होते हैं जिसमें ग्लास हो गया, प्लास्टिक्स, मेटल्स, पेपर्स वगैरह। पेपर्स जो हैं ये सेकेंडरी पैकिंग में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं प्राइमरी पैकिंग क्या होती है, सेकेंडरी पैकिंग क्या होती है, टर्शरी पैकिंग क्या होती है। प्राइमरी पैकिंग वो होती है जिसमें हम ड्रग को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिरप है, उसमें जो बोतल होगी शीशे की होगी या रबड़ की होगी या प्लास्टिक की होगी, उसे प्राइमरी पैकिंग कहेंगे। सेकेंडरी पैकिंग क्या होती है, प्राइमरी पैकिंग जो होती है उसको, इसके ऊपर अगर कोई गत्ते की डिब्बी बना दी जाए जिसके ऊपर लेबल होगा तो उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी पैकिंग कहेंगे। टर्शियरी पैकिंग क्या होती है, टर्शियरी पैकिंग अगर बहुत सारे प्रोडक्ट को एक साथ पैक करके कहीं ट्रांसपोर्ट करना हो, फॉर एग्जांपल हमने 100 सिरप्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो एक कॉटन बैग में हम डाल के उसे डालेंगे तो कॉटन बैग क्या होगा, टर्शियरी पैकिंग होगी। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लोजर्स। क्लोजर्स की कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है सेक्रियोन, ऐसे कंटेनर जिसके ऊपर एक सेक्रियो बना होता है, थ्रेड नुमा सेक्रियो बना होता है, थ्रेड सेक्रियो कैप। इसकी दो एग्जांपल आगे दो टाइप्स हैं, एक है लग कैप जो है वो थ्रेड सेक्रियो ओनली। इसमें क्या होता है कि क्लोजर के ऊपर सिर्फ थ्रेड बना होता है, बोटल्स के ऊपर नहीं बना होता। ये मोस्टली फूड्स जार जो होते हैं उसमें होती हैं। जो है थ्रेड सेक्रियो कैप, इसमें बोथ बोटल्स के नेक के ऊपर भी थ्रेड बना होगा, सेक्रियो बना होगा, और क्लोजर के ऊपर भी सेक्रियो बना होगा। जब हम उसे क्लोजर को उसके ऊपर घुमाएंगे तो वो बआसानी लॉक हो जाएगा। क्रिम्प ऑन ऐसे क्लोजर्स होते हैं जो उसके ऊपर कोई थ्रेड नहीं बना होता, ये क्राउन टाइप होते हैं, थोड़े से लॉन्ग क्लोजर्स। इसके जो क्लोजर हैं ये थोड़े से बड़े होते हैं और ये बिवेरेजीज जो शराब की बोतलें होती हैं उनके ऊपर इस तरह के क्लोजर्स होते हैं, इस तरह के ढक्कन होते हैं। प्रेस ऑन क्लोजर ऐसे होते हैं जिनको दबाया जाए तब वो, जिनको दबाने से जो हमारा कंटेनर है वो सील हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें आगे दो टाइप्स हैं, स्नैप सील आपने कैल्शियम की एक डिब्बी देखी होगी, CAC 1000 जो कि फार्मेसी पर होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जो क्लोजर होता है उसको प्रेस करने से वो उसके बोतल के ऊपर बआसानी फिट हो जाता है। बंक सील कैसी होती है, कॉनिकल इन शेप, ये कॉनिकल शेप होती है, इंसर्टेड इन बोटल्स। ये क्या होती हैं कि इसका जो हमारे पास क्लोजर होता है उसका, ये क्लोजर उसके बोतल के अंदर फिट होता है। बोतल के अंदर जो कंटेनर, जो क्लोजर फिट होता है उसे बंक सील कहते हैं, और स्नैप सील उसे कहते हैं जो कंटेनर के बाहर सील होता है। बोतल की नेक क्लोजर के अंदर होगी तो वो स्नैप सील कराएगी, अगर बोतल की जो नेक है वो
जो है क्लोजर के बाहर होगी तो वो बंद सील कहलाएगी। इसके बाद है रोलिंग ऑन क्लोजर। रोलिंग ऑन क्लोजर मोस्टली एलुमिनियम का बना होता है, इसमें कोई थ्रेड नहीं होता, सैक्रिव भी नहीं होता, ना बोतल पे और ना ही क्लोजर पे। तो एलुमिनियम की जब एलुमिनियम के क्लोजर को जब क्लोज किया जाता है तो वो बासानी बोतल के ऊपर फिक्स हो सकते हैं। इसके बाद आ जाता है मटेरियल यूज्ड फॉर क्लोजर। क्लोजर के लिए सबसे पहले कॉर्क एक लकड़ी है, बार्क ऑफ ऑक ट्री। ऑक ट्री की लकड़ी जो है वो कॉर्क कहलाती है। ये एक ओल्ड मेथड है कंटेनर्स को क्लोज करने का, इसमें नैरो माउथ बोटल्स को क्लोज किया जाता है। ग्लास जो है एक अच्छा मटेरियल है क्लोजर का, तो लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये लीकिंग को स्टॉप नहीं कर सकता। अगर इस तरह के कंटेनर क्लोजर लगाए दें तो इससे लीकिंग हो सकती है। रबर जो है ये मोस्टली यूज़ होते हैं, वाइल्स में और आईवी फ्लूइड्स को क्लोज करने के लिए। मेटल्स के बने हुए होते हैं, एलुमिनियम मोस्टली यूज़ होती है। बहुत सारे जो क्लोजर होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं जिसमें एलुमिनियम यूज़ होती है। इसके बाद आ जाता है स्ट्रिप पैक कैसे कौन से होते हैं और ब्लिस्टर पैक्स कौन से होते हैं। ये दोनों जो हैं ये टैबलेट के लिए होते हैं जो जिनमें टैबलेट पैक की जाती है। स्ट्रिप्स पैक में क्या होता है, दो स्ट्रिपों के दरमियान मेडिसिन पैक हो जाती है, इसके ऊपर भी उभार होता है और स्ट्रिप के नीचे भी, दोनों तरफ से जिस के ऊपर उभार हो वो स्ट्रिप पैक कहलाती है। अगर मेडिसिन के एक अगर पैकिंग में सिर्फ ऊपर की तरफ उभार हो तो ये क्या कहलाएगी, ब्लिस्टर पैक कहलाएगी। दोनों तरफ उभार नहीं होगा इसमें तो इस तरह की जो पैकिंग होगी इसकी टैबलेट्स की वो ब्लिस्टर पैक कहलाएगी। ओके,